नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कतर की मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। पहले मुकाबले में कतर को इक्वाडोर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे अलग दूसरी तरफ टूर्नामेंट में वन लव बैंड को लेकर भी विवाद मचा हुआ है। जर्मनी के कप्तान ने तो इसका खुलकर विरोध भी किया है। तो क्या है ये वन लव विवाद और जर्मनी के कप्तान ने क्यों इसका विरोध किया, यही जानेंगे इस वीडियो में। इस बात की चर्चा शुरू से ही जोरों पर है कि कतर में नियम कानून बेहद सख्त और दकियानूसी हैं। इन्हीं नियमों में से एक है वन लव, जिसका अब विरोध किया जा रहा है। जर्मनी के कप्तान और गोलकीपर मैनुअल नोएर वर्ल्ड कप मैचों में फीफा के कप्तानों के लिए आधिकारिक तौर पर आर्मबैंड पहनने का विरोध करेंगे। फीफा के कप्तानों के लिए चलाए गए इस अभियान में केवल कुछ चुनिंदा स्लोगन वालों को ही आर्मबैंड पहनने की अनुमति दी जाएगी। नोएर से जब जर्मनी के ट्रेनिंग कैंप में फीफा की इस नई योजना का विरोध करने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब हां में दिया। वर्ल्ड कप के नियमों के अनुसार कप्तान के आर्म बैंड को फीफा द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए और इन्हें फुटबॉल की शीर्ष संस्था द्वारा ही मुहैया भी कराया जाना चाहिए, लेकिन नोएर ने यह कहा कि वो वन लव डिजाइन का आर्म बैंड ही पहनेंगे, भले ही इसके लिए उन पर जुर्माना क्यों ना लगा दिया जाए। अधिकारियों ने कतर में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप का जश्न मनाने वाले एक कंसर्ट से हजारों प्रशंसकों को वापस कर दिया। इससे दोहा में आगे की चुनौतियों का पता चलता है कि फीफा के सबसे बड़े टूर्नामेंट में वो लोगों की भीड़ से कैसे निपटता है। इतने छोटे देश में फुटबॉल के महासमर के लिए 12 लाख फुटबॉल प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है। बीते मैच में भी आयोजन स्थल के बाहर कतर की पुलिस, सुरक्षा गार्ड और अन्य ने इशारा करती बड़ी बड़ी फोम की उंगलियों, बुलहॉर्न और यातायात नियंत्रण करने वाले डंडों से हजारों लोगों को हटाया। कतर ने इस टूर्नामेंट में स्टेडियम से बियर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे फैन जोन्स ही वो एरिया होंगे जहां अल्कोहल युक्त बियर परोसी जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रशंसक इन जगहों पर इकट्ठा होंगे। मुंबई से यहां पहुंचे एक 30 वर्षीय ट्रक ड्राइवर ने यह भी बताया कि हम जानते हैं कि यहां पुलिस जो कहती है वही होता है, हमें वापस लौटने का दुख है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हम कर रहे हैं, लेकिन हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। फीफा वर्ल्ड कप में उपजे इस वन लव विवाद पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।